हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज मैंने देखा मार्वल का नया शो वांडा विजन। तो उन्होंने डिज्नी प्लस पे रिलीज़ किए दो एपिसोड वांडा विजन के, और दोनों 1950s के थीम में शूट किए गए हैं और स्टोरी भी वहीं की है। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको स्पॉयलर फ्री रिव्यू देता हूँ वांडा विजन के दो स्टोरी का, जो कि दो एपिसोड ही अभी तक आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबा दें, जिसकी वजह से ऐसी वीडियो मिस ना हो। दो एपिसोड देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे सर में दर्द हो गया है इसे देखने के बाद। साला कुछ भी चल रहा था, कोई कनेक्शन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, 70 साल पहले के शोज की तरह बना के रख दिया है और पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। मार्वल के पुराने फैन बेस के पे पैसा बनाने का प्लान में है केविन फाइगी जी। 15 जनवरी को 3 शो रिलीज हुए, पहला तांडव, दूसरा गुल्लक का सीजन 2 और फिर तीसरा ये टट्टी शो वांडा विजन। अरे यार, इसके चक्कर में हॉटस्टार प्रीमियम का 1000 रुपये बर्बाद कर चुका हूँ मैं, और देखने के बाद दिल में और दुख हो रहा है कि उससे अच्छा तो मैं 1000 रुपये में आग लगा देता, थोड़ी सी गर्मी तो मिल जाती। और इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है शो को डिफाइन करने के लिए। ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये मेरे समझ में तो नहीं आया। और जो लोग सोच रहे होंगे कि साला डीसी का फैन है तो इसलिए बुराई कर रहा है, तो ये जान लें, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो, कि इतना सरदर्द वंडर वुमन 1984 देख के नहीं हुआ जितना कि आधे आधे घंटे के दो एपिसोड में करा दिया इन्होंने। अगर कुछ अच्छा बोलना जाए तो इस शो की एक्टिंग, जो कि एकदम ऑन पॉइंट है, और इतने बड़े एक्टर से उस और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और दूसरी चीज़, बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है और आपको 1950s की फीलिंग पूरी आएगी। वहीं के सेट, वहीं के कॉस्ट्यूम और यहाँ तक कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत ही प्रिसाइजली वैसे ही की गई है। बस इससे आगे मुझसे और कुछ नहीं बोला जा रहा, और उसके बाद मैं अपनी TEL फैमिली से बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जाके गुल्लक देख लें और अपना मूड सही कर लें। यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद आपका बहुत ही ज़्यादा। और जो भाई लोग मेरी तरह ये शो देख के इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, तो उनके मन की बात मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई और पॉइंट रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और बहुत से अच्छे शोज़ और पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ये ऐसे घटिया शोज़ से आपको आगाह कर सकूँ। धन्यवाद।